लास्ट लुट जाएगा आसार नजर आता है। हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से नहीं कहना चाहिए तड़ी पार गद्दार और राष्ट्र को विक्रेता बैठ गए हैं। अभी पूरा समाज पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है और ये आंदोलन अभी दिल्ली के बॉर्डर था, अब ये गांव में चला गया है। गांव में जा कर के आज गांव से आवाज़, पहले बॉर्डर तक था तो पहले खालिस्तानी और पंजाब सिख सरदारों का आंदोलन, और कभी हिंदू और सरदार को लड़ाने की कोशिश, कभी यानी जितने भी धरना प्रदर्शन, हमारे दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है, यहाँ जंतर मंतर एक धरना प्रदर्शन करने की जगह थी। सबसे पहले सरकार आई तो जगह ही ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद ये किसान भी तो जा रहे थे जंतर मंतर या रामलीला, क्योंकि अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाना सबका, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन इनको नहीं जाने दिया तो जो जहां हैं वहीं रुक गए। और इनका तो पूरे मानसिकता, जिस तरह कोई भी चाहे वो शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन रहा उसमें भी दंगा करवा के ख़त्म कर दिया गया, चाहे वो जेएनयू का था और चाहे शिक्षा मित्र आशा बहुए या चौकीदारों का था या जितने भी था, उनके बीच में अपने ही जो आरएसएस के लोग होते हैं वही घुस करके उस धरने के प्रदर्शन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। यही इनकी मानसिकता थी। ये कितने दिन यहाँ भी कोशिश हुई, ऐसी बात नहीं, कोशिश हुई। और इस धरना प्रदर्शन, किसान के धरना प्रदर्शन से देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा, आए दिन गैस बढ़ रही है, आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन हमारी राष्ट्रीय अचल संपत्ति बेची जा रही है। तो ये कहीं न कहीं ये धरना प्रदर्शन आज सबकी निगाह है किसानों के ऊपर, तो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश को भटकाया जा रहा है। हम लोगों को रोज दिन में तीन जुमले छोड़ते हैं, जब तक एक को समझते हैं तब तक दूसरा, अगर किसानों का धरना उधर बॉर्डर पे युद्ध का भी दिखा रहे हैं। इनकी जितनी ये तो शुक्र मनाऊंगा, धन्यवाद दूंगा ये आप लोगों की मीडिया को, जो आप लोगों ने आज पूरे भारतवर्ष को जगा दिया। ये जानते थे कि इनके पास, इन बहुजन किसानों के पास इतनी मीडिया नहीं है, ये भी जैसे हर धरना प्रदर्शन नेस्तनाबूद हुआ है वैसे ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि हमारे बहुजन के लोगों ने, नेताओं को नहीं, ये जो बहुजन के नेता बने थे, ये अगर ऐसी मीडिया तैयार कर दिए होते तो आज हमारी भी आवाज़ कहीं ना कहीं सब हर जगह से आती, लेकिन इन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जब सत्ता में आते हैं सत्ता का सुख भोगते हैं, जब सत्ता से चले जाते हैं तो समाज का संगठन बनाने लगते हैं हर लोग, यानी हमें कहीं ना कहीं फोड़ करके परेशान करते हैं। लेकिन अब ये पूरे देश की आवाम जग चुकी है, जन आंदोलन नहीं, ये तो राष्ट्रव्यापी नहीं विश्वव्यापी आंदोलन हो गया है और एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और देश हमारा फिर से नवीन रियासतीकरण, जिस तरह हम आज़ादी के बाद राजा महाराजाओं का किला ढहाया गया, उनकी भी जगह को बांटी गई, वो उसी तरह मुझे फिर मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं उन्हीं के चंगुल में पूरे आवाम को फंसा करके, यानी हमारी जो रोज की कमाई, आज भी देखो सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दिया गया और प्राइवेट है, प्राइवेट में किसी का कोई हक अधिकार नहीं है कि कोई आवाज़ उठा सकता है। तो जैसे भाई इसी तरह ही आज भी चाह रहे थे हम, आप मीडिया वाले, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया है, महापंचायतें भी हो रही हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो साफ मना कर रहे हैं कि कानून तो वापस नहीं करेंगे। ऐसा है, सरकार पर नहीं असर पड़ रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? अगर सरकार पर असर नहीं होती तो 11 बार वार्तालाप ही कभी और धरना प्रदर्शन हुए। भाई तमिलनाडु से हमारे किसान भाई आए थे, आप लोग भी दिखाए थे, वहाँ पर भूखे नंगे चूहा मुंह में लेके हड्डियाँ लेकर के वहाँ बैठे रह गए 2-2.5 महीने तक थे, लेकिन वहीं उनके उनके सीने पे बैठे थे, लेकिन कोई मीडिया ने कभी नहीं, आप लोगों की मीडिया भी दिखाने का अलाउ नहीं, वहाँ भी ख़त्म कर देते थे। आज जो है ना, ये पूरा समझ लो ये पूरा विश्वव्यापी हो चुका है और धरना प्रदर्शन ये अभी ख़त्म नहीं हो, ये तो नया इतिहास लिखा जाएगा, एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ है धरना, किसानों का धरना। और किसान जो है ना, कहते हैं जो भी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो पहली बात किसानों को ख़त्म कर दो, राष्ट्र अपने आप गुलाम हो। हमारी खेती किसानी को ख़त्म किया जा रहा था कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में, क्योंकि हम अपने ही खेत में अपने गुलाम हो जाते, हमारे आने वाली पीढ़ियां बच्चे ना
हमारे उनके मजदूर बन जाते हैं। हम कह रहे हैं गुलाम बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको गुमराह कर दिया गया है, किसानों को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है, किसान कभी गुमराह नहीं हो, किसान बाप था, बाप है और आगे भी बाप रहेगा। किसान और हमारे ही बच्चे जवान। प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? प्रधानमंत्री जी यही तो है, प्रधानमंत्री जी अपने हट पर एक जगह से टिके हुए हैं। अगर जिस दिन प्रधानमंत्री भी एक तरह से दूसरी तरह से देख रहे हैं हिटलर शाही, अगर प्रधानमंत्री को, मैं तो आज भी कहता हूँ, सद्बुद्धि आए है वर्तमान के शासकगढ़, अनुरोध किसानों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा हित किसानों की मांग स्वीकार करो। यही किसान इतिहास रचे हैं, अपने राष्ट्र को कृषि प्रधान देश और विश्व गुरु बनाएंगे, इतिहास रचेंगे, पुनः रचेंगे। किसानों का यह नारा है, चलो भाइयों मजबूती से, जब तक ये आंदोलन, ये तीन कालों के कानून खत्म नहीं हो, लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। चलो भाइयों बॉर्डर पर, भावी इतिहास तुम्हारा, आगे आने वाले समय में ना 74 साल बाद अब किसान पहली बार आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, जो माननीय हमारे पंजाब के सिख सरदारों की धरती वीरभूम से ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ को भी ख़त्म कर दी है। तो चाह रहे थे कि इस धरना प्रदर्शन को 84 से भी ज़्यादा बुरा हाल करने की सोच लिए थे और करना शुरू कर दिए थे। हमारे ही बच्चों को लाल किले पे चढ़ा दिए बहका करके, बताओ ऐसे कोई लाल किला इतनी अभी एक छोटा सा धरना निकलता है तो उसके साथ 500 पुलिस लगती है, इतना बड़ा चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च का था तो मात्र देश में 2000-4000 पुलिस संभाल लेती। पहली बात तो सोची समझी रणनीति थी, उसमें भी ये फेल हो गए। इसलिए कहना है कि माननीय सम्मानित मोदी जी, अमित शाह जी, और आज देखो बंगाल का चुनाव है, ये सुनार बंगाल पूरे भारतवर्ष का निगाह नहीं है, बंगाल वाले देख नहीं रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष की दशा क्या है, हमें सुनार बंगाल बनाने आए हैं। तो इसलिए कहना है कि मेरा कहना है या पूरे किसानों का कहना है, राष्ट्र लुट जाएगा आसार नज़र आता है। हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से नहीं कहना चाहिए तड़ी पार गद्दार और राष्ट्र को विक्रेता बैठ गए हैं, इसलिए किसानों की मांग स्वीकार करो और आगे ऐसा मत करो, इनकी मांग को पूरी करो और तीनों काले कानून रद्द करो और इनका MSP लागू करो, उसके लिए कानून बनाओ। ये किसान ही हैं जो राष्ट्र को विश्व गुरु बनाए हैं और फिर से आगे बढ़े। मैं संजय सिंह चौहान प्रतापगढ़ से आया हूँ। लोग कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ जाटों का आंदोलन है, बिल्कुल गलत है। सभी जातियों का आंदोलन, सभी वर्ग का आंदोलन, अनुसूचित जाति का आंदोलन, बैकवर्ड का आंदोलन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका यह आंदोलन है। और मैं, लोग कह रहे थे इसमें राजपूत नहीं आते, मैं कहता हूँ राजपूत भी आएंगे, सब आएंगे, सारी जात आएगी और सरकार के पेट में मरोड़ उठ रहा है, कभी भी दस्त होने वाली है, ध्यान रखना इस बात को, मैं कह के जा रहा हूँ। ये मोदी के पैंट गीले होंगे बता रहा हूँ आज। सरकार तो मना कर रही, कानून वापस नहीं करेंगे। सरकार कानून वापस करने के लिए घुटने टेक देगी, दस्त कर देगी। एक किसान है, किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन नहीं, सैकड़ों आंदोलन हुए हैं, खेड़ा आंदोलन हुआ है, सत्याग्रह हुए हैं, तमाम पावना आंदोलन हुआ है, एक नहीं सैकड़ों आंदोलन हुए हैं। अंग्रेजी सरकार को झुका दिए, 1857 में जो सरकार झुकी थी वो भी किसानों ने झुकाया था। अरे किसान झुक, ये भी आंदोलन जो है सरकार को झुकाने के लिए हुआ है, सरकार झुकेगी। और सरकार को फिर मैं कह रहा हूँ, मड़ोर हो रहा है पेट में। प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? वो कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए। प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भगवान करे कभी आए न। एक नंबर एक है उनका जो है बात जो है झूठ निकल रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, पढ़े कम है, उनको अनुभव नहीं है। अच्छा। और तीसरी बात, हाँ उनको अनुभव नहीं है। तो दिखाई थी अमित शाह जी ने, लेकिन अरे डिग्री से कुछ नहीं होता महाराज, डिग्री से कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं लेकिन ऐसा गंदा काम कोई नहीं किया था। काले अक्षरों में इनका इतिहास लिखा जाएगा और इस आंदोलन से इनके पैंट गीले होंगे, दस्त जरूर होगी, ध्यान देना।